हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से नया डिज़ाइन के साथ आई हूँ। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आएगा। और दोस्तों, ये देखिए हमारा डिज़ाइन, ये दो रंग में बनाया हुआ है। आप चाहिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप अपनी पसंद से कलर लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं डिज़ाइन शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, ये मैं चेन से स्टार्ट कर रही हूँ हर बार की तरह। इसमें अपनी पसंद से चेन लीजिएगा, आपको जितना बड़ा बनाना हो आप उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी आपके डिज़ाइन के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा कम ही फंदे लेकर के, इसी के नाप के फंदे लेकर के मैं बता रही हूँ। तो ये हमारा पूरे चेन हो गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। ये देखिए पहला रो, चेन के बाद पहला रो होता है बिना फंदा लिए हुए। पहले घर में हमने एक निकाला, फिर दूसरे घर में इस तरह निकालूंगी, इस तरह करके मैं तीन चेन निकालूंगी, चार पांच, ये हो गया छह, और सारे चेन को मैं एक साथ ही बीन के पूरे एक बना दूंगी और फिर एक फंदा ले लूंगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही हल्का डिजाइन है। फिर से ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए बीच में होल हो गया। अब फिर से दूसरा बनाऊंगी, जो ये बड़ा सा होल हुआ है उसी में अगेन डालूंगी एक, और उसके बगल वाले में दो, फिर उसके नीचे वाले में तीन, चार, पांच। ये देखिए एक चेन लगाकर हमारा कर दूंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये बन गया हमारा टू। अरे इसका नाम है स्टार स्टिच, इसे हम लोगों ने स्टार स्टिच के नाम से जाना जाता है। ये देखिए फ्रेंड, अगेन फिर मैं उसी में एक, आप बस देखते रहिए, दो तीन चार पांच, हर फंदे में, हर चेन में डाला जाएगा फ्रेंड, और उसको बिना फंदा लिए हुए। जब ये छः हो जाए, छः बन जाए, ये तीन तीन छः, तब छः का एक कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, तीन चार छः हो गया। ये देखिए फ्रेंड, फिर से वैसी उसी प्रक्रिया में बनेगा ये पूरा, तीन चार पांच, और ये रहा छः, बस छः का एक कर देना है। यह फंदे लेकर के उसको एक बना देना। ये देखिए देखिए दोस्तों, अब हमारा ये पूरा हो गया, ये पहला रो था। अब जो लास्ट में ये बचा हुआ है एक फंदा, उसको मैं डबल क्रोशिया जैसे बना के, क्योंकि इसमें फंदे ज़्यादा नहीं है तो बस इसी तरह बनाना है। ये बन गया। अब हमें दो चेन लेने हैं और उसको पलट देना है। पलटने के बाद फ्रेंड, एक फंदे लेना है और जो ये गोलाई हुआ था, ये वाली इसमें डाल के मैं निकाल के तीन का एक करना है फ्रेंड, उसमें दो बार बनाना है। फिर से मुझे ये दूसरे वाले गोलाई में डालना है, इस वाले में नहीं डालना है, इस वाले में डालना है। एक फंदे लेके ये देखिए दोस्तों, ये आप जल्दी ही सीख लेंगे। कमेंट बॉक्स में ये अवश्य लिखिएगा कि आपको हमारा ये स्टार स्टिच कैसा लगा फ्रेंड। इससे पहले भी मैंने एक बहुत ही सुंदर सा जिगजैग डिज़ाइन सिखाई थी,
उसे भी लाइक कीजिएगा और इसे भी लाइक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा रो भी ख़त्म होने वाला है। अब लास्ट में जो हमारा एक बचा हुआ है उसमें मैं इसी तरह बना लूँगी। ये हो गया हमारा। अब ये तीसरा रो में एक दूसरा ऊन का कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसको लगाने का भी एक तरीका होता है। ये देखिए, ये हो गया। चेन डाल दूँगी, 1, 2 और ये 3। देखिए दोस्तों, ये 3 में एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में एक सेम पहले जैसा ही डिज़ाइन पड़ेगा। 2, 3 चार, 1, 4, 5, 6। ये देखिए दोस्तों, 3, 3, 6। अब बस 6 का एक कर लूँगी। ये देखिए दोस्तों, अब इसको एक फिर से इसी गोलाई में 1, 2, 3 और जो हम नया ऊन लगाए हैं उस उनको भी साथ में लेके 4, 5 और ये लास्ट 6। फिर से वही 6 का 1। ये हो गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन। आपकी मर्जी है, आप इससे इस डिज़ाइन से किसी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉल भी बना सकते हैं आप, स्वेटर भी बना सकते हैं, जैकेट भी बना सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है, कुछ भी बना सकते हैं। डिज़ाइन दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। 4, 5 ये लास्ट 6। देखिए दोस्तों, अब हम ये तीसरे रो के लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब जो ये लास्ट में हमारा एक बचा हुआ है उसको मैं ऐसे ही 2 बना दूंगी। ये देखिए दोस्तों, फिर से चैन लेके फिर से वो सेकंड वाला रो चलेगा इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये जो बड़ा सा होल है उसी में डालना है, एक चेन लेके फिर इसमें 2 बार 1, 2। एक फ्रेंड, अभी लॉकडाउन के कारण मैं ऊन नहीं ला रही हूँ। हमारे पास जो पुराना स्वेटर का ऊन बचा हुआ है बस उसी से मैं अभी फ़िलहाल काम चला रही हूँ, क्योंकि मार्केट पूरा बंद है, तो इसका मुझे बहुत खेद है। जैसे ही खुलेगा वैसे फिर से नया ऊन ला करके मैं आपके सामने फिर से नए डिज़ाइन के साथ प्रस्तुत हो जाऊंगे। देखिए दोस्तों, अब ये हमारा ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रो भी ख़त्म हो चुका है। ये डिज़ाइन एकदम लगातार चलता जाएगा, वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड है। ये देखिए, मैंने फिर से वही डिज़ाइन को शुरू कर रही हूँ ये 3 चेन देने के बाद। ये देखिए दोस्तों, फिर से वो दूसरे चेन में 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही हल्का डिज़ाइन है, ज़्यादा माथा पच्ची वाला डिज़ाइन नहीं है। 3, 4, 5 and 6 सेम उसी तरीके 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए दोस्तों, अब हमारा ये लास्ट ही है। बस इसको फिर से
आपकी मर्जी है, ये आप उसे बढ़ा दीजिए। मैं तो एक सिंपल सा आपको बता रही हूँ। उम्मीद है हमारा ये डिज़ाइन आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत तो आप सीख ही लिए होंगे। कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में भी कुछ लिख दें। दोस्तों धन्यवाद।